हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रमिला। प्रमिला की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं शाही वेज दम बिरयानी। तो फ्रेंड्स, दम बिरयानी को बनाने के लिए चलना पड़ेगा प्रमिला की रेसिपी में। तो चलिए चलते हैं वेज दम बिरयानी बनाने के लिए। जो हमने सामान लिया है वो हमने लिया है, हमने ये हमारी 3 प्याज है जिनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, हमारा अदरक लहसुन पेस्ट, हमारा दही, फूड कलर रेड फूड कलर है, ऑयल, हल्दी पाउडर, ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, शाही जीरा लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया, और ये हमारे खड़े मसाले में हमने लिया है 2 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 4 फूल लौंग के और थोड़ा सा लेमन। ये गोल्डन बासमती सैला चावल है जिसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में डीप कर दिया है, और इसके लिए हमने चावल के लिए अपना पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये खूब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम चावल को इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम अपनी सब्जी को मैरिनेट करेंगे। इसमें हमने लिया है गोभी, जो बड़े बड़े फूल काटे हैं हमने, इसमें छोटे फूल नहीं काटे हैं इसमें, और हमने लिया है इसमें हरी मटर, ये डाल लेते हैं इसमें, और हमने लिया है गाजर जिसको मोटा मोटा इस तरह से कट कर लिया है, क्योंकि जो वेज दम बिरयानी होती है उसमें जो हमारी वेजिटेबल होती है वो हमारी मोटी मोटी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी छोटी काटेंगे तो वो हमारी बिरयानी में दिखाई नहीं देंगी। सबसे पहले इसमें हम डालते हैं अपना दही, नमक डालते हैं इसमें स्वादानुसार, और ऐड करते हैं इसमें हम आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 स्पून, और 1/2 स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, थोड़े से लेंगे 8 से 10 मिंट लीव। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, और तब तक अपना तेल गरम करते हैं। सब्जी फ्राई के लिए हमने एक कुकर लिया है, इसमें हम इसको हाई हीट पर फ्लेम पर अब गर्म हो देते हैं, फिर इसमें हम तेल डालेंगे। हम अपनी सब्जी में शाही जीरा डालना भूल गए थे, इसमें 1/2 स्पून शाही जीरा ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसको कवर करके रख देते हैं। हमारा कुकर गर्म हो गया है, ये इसमें 2 बड़े चमचे हम डाल देते हैं ऑयल, और इसको गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, अब इसको अपने ऑयल में डाल देते हैं और उसको लाइट ब्राउन भूनेंगे। लाइट ब्राउन भून के फिर हम अपनी सब्जी को इसमें ऐड कर देते हैं। हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अपनी गैस की फ्लेम को हम अभी सिम पे कर देंगे, क्योंकि हम अपनी सब्जी ऐड कर रहे हैं, इसमें सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा पानी चावल का बॉयल हो गया है, देखिए एकदम हाई फ्लेम पर है। इसमें डाल देंगे 2 नींबू के स्लाइस इस तरह के, जावित्री, 1 लंबी लंबी हमने हरी मिर्च काटी है, 4 लौंग, 2 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची। अब इसको 2 मिनट के लिए उबलने देते हैं और कवर कर देते हैं। अब अपने चावल को हम पानी में ऐड कर देते हैं। हमने चावल लिए 300 ग्राम चावल लिया है। इसके लिए जब हम चावल लेते हैं तो पानी हमें इससे 2 हिस्से ज्यादा रखना चाहिए, जिससे हमारे चावल टूटे ना, और इसमें नमक भी हमें तेज रखना होगा। अभी ये हमने अभी नमक ऐड कर दिया है इसमें, अब इसको कवर कर देते हैं। बाद में जो हमने खड़े मसाले डाले हैं ये बाद में, जब हमारा 50% चावल बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें ये फ्लेवर सारे निकाल देंगे। अपनी सब्जी में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, और एक बार इसको चला देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। अपने चावल में हम थोड़ा सा 1 स्पून ऑयल डाल देंगे, और जो इसके हमने खड़े मसाले डाले थे वो निकाल देंगे। अगर आप चाहते हो कि खड़े मसाले ना निकाले तो आप नहीं भी निकाल सकते, मैं इनमें निकाल देती हूँ उनके सभी खड़े मसाले को। एक प्लेट में हम इस तरह से निकाल देंगे। एक बार अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं,
ये कलर भी अच्छा आ गया है। अपनी सब्जी को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, ये हमें 50% ही पकाना है सब्जी को, और जो हमारे चावल है उसको हम 70 से 80% ही बॉईल करेंगे। ज़्यादा कर देंगे तो हमारे वो बिरयानी के जो चावल हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए हमें सब्जी को भी ज़्यादा नहीं करना है। और अब इसमें हमारी सब्जी पक गई, इसमें से हाफ सब्जी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो हमारी गोभी होती है वो टूट जाती है, तो इसीलिए हम हाफ सब्जी को निकाल लिया है। ये अपनी बिरयानी में हम बाद में ऐड करेंगे, बाकी सब्जी को इसी में ही छोड़ देते हैं। हमारा चावल पक चुका है, अब इसका पानी हम निकाल देते हैं। देखिए हमारे चावल एकदम खिलवा एकदम बन चुके हैं, एक एक दाना ये देखिए गोल्डन बासमती राइस सैला गोल्डन, बिल्कुल अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, अपने जो चावल हैं ये हमें सब्जी में ऐड करने हैं। अब ऐड करते हैं हम अपने चावल, इस तरह से अलग अलग करके करेंगे। अभी हाफ चावल ही ऐड करेंगे इसमें, हाफ बाद में ऐड करेंगे। ये हमारी एसेंस है शाही बिरयानी का, ये 1 स्पून हम डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो डालिए, अदरवाइज नहीं। ये हमारी ऑनियन डार्क ब्राउन, ये अभी हाफ डालेंगे, हाफ बाद में डालेंगे। ये हमने दूध में रेड फूड कलर लिया था, इसको डाल देते हैं 2 स्पून। थोड़े से मिंट लीव, अब थोड़ी सी हम अपनी सब्जी ऐड करेंगे इसमें। ये हमने हाफ सब्जी करी, हाफ और बाद में करेंगे। ये हमारा ऑयल है जो हम अपनी प्याज को ब्राउन किया था, और 2 स्पून डाल दिया है। अब इसके बाद फिर से हम अपने चावल ऐड करेंगे इसमें, जिस तरह से फिर से हम चावल एक एक करके करेंगे अपने। ये ऑनियन डाल दिया फिर से हमने, इस पर अच्छे से गार्निश कर दिया है। गार्निश के लिए हमने थोड़ी शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया था, वो डाला है। अब सारी सब्जियों को हम ऐड कर देंगे अपनी। अब अपने सभी सब्जियों को हम इस तरह से कवर कर देते हैं, थोड़े से मिंट लीव डाल दिए फाइनली हमने, और डाल दिए अपनी फाइनली हमने जो हमारी ऑनियन बची थी उसको डाल देते हैं इस तरह से। ये हमने सारे इसको डाल दिया, और थोड़ा सा डाल देते हैं हम अपना जो हमारा फूड कलर बचा था, ये दूध वाला है। अगर आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं दूध में डालकर। अब हमें क्या करना है, इसको हम कवर कर देते हैं, और अभी हम 5 मिनट के लिए अपनी गैस को हाई फ्लेम पर रख देते हैं, और अपनी बिरयानी को हाई फ्लेम के लिए कवर करते हैं। हमारी बिरयानी का टाइम हो गया है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको हमें गर्म तवे पर 5 मिनट के लिए रख देना है, मोटे तवे पर। हमारा मोटा तले का तवा गर्म हो गया है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए अपने तवे पर रख देते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। हम अपनी बिरयानी को उतार लेते हैं और चेक करते हैं कैसी खुशबू आई है। बहुत अच्छी खुशबू है। अब हम आपको सर्व कर देते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी, बिल्कुल एक एक दाना, ये देखिए क्या बात है, ये देखिए कैसे हमारा गोल्डन बासमती राइस गिर रहा है, एक एक दाना अलग अलग है। ये देखिए बिल्कुल हमारी सब्जी भी नीचे से देखिए बिल्कुल नहीं लगी है, एकदम अच्छी हो गई है। अब बस फाइनली आपको हम सर्व कर दे रहे हैं। तो फाइनली, और थोड़े से डाल देते हैं हम इसमें गार्निश के लिए मिंट लीव, हमारी हो गई है रेडी बिरयानी, शाही दम बिरयानी हमारी हो गई है तैयार। तो जनाब खाने के लिए आ जाइए, ये लीजिए देखिए हमारी शाही दम बिरयानी, शाही बेस दम बिरयानी कितनी लजीज है। तो प्लीज हमारी इस रेसिपी को, शाही बेस बिरयानी को कीजिए लाइक, बनाइए अपने घर में, और फटाफट से लाइक कर दिए, थम्स अप करिए, और सब्सक्राइब करना जनाब। तो बनता है हमारी बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आप तक फटाफट से आ जाए। तो चलते हैं फिर से न्यू रेसिपी में, मिलेंगे आपको, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, खाइए इसको रायते के साथ। तो चलिए चलिए।